इस बार चुनाव प्रचार का रंग ढंग बदला है, तो इस समय रोजगार पाने वाले का भी स्वरूप बदला है। चुनाव आयोग ने जब वर्चुअल रैली और वर्चुअल प्रचार प्रसार का निर्देश दिया, तो भीड़ लेकर रैली या प्रचार प्रसार करने पर रोक लगा दी गई, तो पार्टी से लेकर प्रत्याशियों तक को इस डिजिटल माध्यम पर आना पड़ा। सभी पार्टियों ने दिल्ली लखनऊ से लेकर स्थानीय स्तर तक आईटी सेल में युवाओं की संख्या बढ़ा दी है। विधानसभा स्तर पर इंटरनेट मीडिया पर प्रचार प्रसार को तेजी से रोकने के लिए तैनात कर दिया गया है। प्रत्याशियों ने पार्टी से अलग हटकर भी अपनी टीम बना ली है। किसी के पास संख्या कम है तो किसी के पास ज्यादा, मगर इसके बाद रूम का माहौल गजब का है। बता दें कि इन युवाओं की टोली प्रत्याशी के जनसंपर्क के वीडियो बनाती है और उसमें गाने सेट करती है, फिर उसे एडिट करके वायरल करती है। विभिन्न माध्यमों पर पोस्टर व वीडियो शेयर किए जाते हैं। मतदाताओं की सूची लेकर उन्हें फोन किया जाता है, वॉइस मैसेज व टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते हैं। एक डिजिटल कंपनी के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हजारों युवाओं को इस कार्य के लिए रोजगार मिल चुका है। वहीं बता दें केंट से ही भाजपा के प्रत्याशी अमित अग्रवाल ने 40 युवाओं की टीम बनाई है। 20 युवाओं की टीम दिल्ली व लखनऊ से पार्टी स्तर से भेजी गई सामग्री को अपने मतदाताओं तक भेजने में जुटी है, तो वहीं 20 युवाओं की अन्य टीम उनके संपर्क अभियान का प्रचार इंटरनेट मीडिया पर कर रही है। सपा जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह ने बताया है कि यहाँ पर जिला स्तरीय वॉर रूम तैयार किया जा रहा है, इसमें करीब 25 युवा रहेंगे। साथ ही प्रत्याशियों ने अपने स्तर पर भी टीम बना ली है। कांग्रेस के कैंट सीट प्रत्याशी व जिलाध्यक्ष अवनीश काजला ने बताया है कि जिला स्तरीय वॉर रूम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, यहां पर 20 युवा रहेंगे। अन्य प्रत्याशियों ने अपने स्तर पर भी टीम बनाई है। कैंट से ही बसपा प्रत्याशी अमित शर्मा का कहना है कि उन्होंने अपनी 20 युवाओं की टीम बनाई है, यह टीम हर समय सक्रिय रहती है, यह 5 हिस्से में कार्य कर रही है। रालौद के क्षेत्रीय अध्यक्ष यशवीर सिंह ने बताया है कि उनकी सबसे बड़ी टीम दिल्ली में कार्य कर रही है, लखनऊ में भी बाकी विधानसभा स्तर पर प्रत्याशियों ने अपनी टीम बनाई है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।